जप करें क्यों करें? वैसे तो जप करने से निर्जरा होती है, धर्म होता है, वह एक अलग बात है, किंतु उसके साथ साथ हम मन को बलवान बनाए रख सकें और शरीर भी हमारा ठीक काम दे, सहयोगी बने, बाधक न बने। क्यों? शरीर ठीक नहीं है तो बाधक बनता है, कोई साधना कर नहीं सकता। तो हम इस बात को पकड़ें कि सबसे पहले कौन सा तत्व है जिसे पकड़कर हम शरीर को भी स्वस्थ रख सकते हैं, अच्छी साधना कर सकते हैं। तो उसमें श्वास और फुफ्फुस फेफड़ा, बस ये दो, श्वास और फेफड़ा। जिसका श्वास अच्छा है वह काफ़ी अच्छी साधना और आनंदमय कर जीवन बना सकता है, और फेफड़ा अच्छा है, फुफ्फुस लंग्स जिसका मजबूत है, तो वह बहुत अच्छा काम कर सकता है। क्योंकि शरीर की हर कोशिका को ऑक्सीजन चाहिए, वह विद्युत है, उसके बिना संचालन नहीं होता, और वह जाती है श्वास के द्वारा। और श्वास को कौन फैलाता है, कौन पकड़ता है? फेफड़ा है। फेफड़ा काम नहीं करता तो आज भी जी नहीं सकता, श्वास लेता है तो भी जी नहीं सकता। अभी कुछ दिन पहले एक भाई आया और मैंने पूछा कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, तो बोला उसका फेफड़े ने काम करना बंद कर दिया। अब फेफड़ा ही काम नहीं करता तो श्वास नहीं जाता, ऑक्सीजन नहीं जाता, तो सारा शरीर निकम्मा हो जाता है। तो फेफड़े का भी व्यायाम होना चाहिए, व्यायाम, और वह जप के द्वारा बहुत सुंदर होता है। एक तो खास कर तो वृद्धों को ज़्यादा, कि जो 70 वर्ष के हो गए, स्थिरवासी हैं या कुछ अस्वस्थ हैं, उन लोगों के लिए तो आनंद प्राप्ति का बड़ा साधन है कि हम विधिवत जप करें, जिससे श्वास भी अच्छा आए और फेफड़ा बहुत अच्छा काम करे, फेफड़े का व्यायाम हो जाए, और ऐसे इस प्रकार श्वास लें जिससे फेफड़ा फैल जाए, बढ़ जाए, एक दो इंच आगे बढ़ जाए एकदम, फिर सिकुड़ जाए, फिर फैल जाए।